और आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के नेशनल हाईवे 730 के अरुहापुर और सीताद्वार मोड़ के बीच में, जहां पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। इस हादसे में 6 लोगों की जान गई है। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकौना इलाके के नेशनल हाईवे 730 अरुहापुर और सीताद्वार मोड़ के बीच की है, जहां पर कुछ माह पूर्व एक भीषण दुर्घटना हुई थी, जिसमें 7 लोगों की जान गई थी। उसी स्थान पर एक बार फिर से बीती रात एक सड़क दुर्घटना सामने आई, जब बलरामपुर की तरफ से बहराइच की तरफ जा रही तेज रफ्तार मिराजो कार आवारा जानवर को बचाने के चक्कर में सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद कार खाई में चली गई। जब इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लगभग 1.5 घंटे तक कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और सभी को इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। यहां पर डॉक्टरों ने 2 बच्चों, 2 महिला, 1 पुरुष को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 की हालत गंभीर बताते हुए उन्हें जिला अस्पताल भेनगा बहराइच के लिए रेफर किया। बहराइच ले जाते वक्त रास्ते में भी एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया, जिसके चलते इस भीषण दुर्घटना में मृतकों की संख्या 6 हो गई, जिसमें 2 पुरुष, 2 महिला, 2 बच्चे शामिल हैं। सूचना पाकर अपर पुलिस अधीक्षक, इकौना उप जिला अधिकारी, तहसीलदार आदि लोगों ने घटना स्थल व इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर निरीक्षण किया। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इकौना इलाके के भगवानपुर बनकर से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही यह भीषण सड़क हादसा सामने आया। बताया जा रहा है, सड़क पर घूम रहे छुट्टा जानवर को बचाने के चक्कर में मिराजो कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर खाई में गई। इस हादसे में मौके पर ही कुछ लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ घायलों को इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। एक की हालत गंभीर बताते हुए जिला अस्पताल बहराइच के लिए भेजा, लेकिन रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पाकर अपर पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर बताया कि सभी लोग रुपईडीहा नेपालगंज त्रिभुवन चौक के निवासी हैं, जिसमें 24 वर्षीय नीलेश, 28 वर्षीय वैभव अपनी पत्नी नीति व बच्चों को लेकर बलरामपुर से नेपालगंज जा रहे थे। वाहन चालक अजय मिश्रा पुत्र ओम प्रकाश गाँव बसहरी थाना नानपारा किराए पर गाड़ी लेकर आया था, जिसके साथ ही लोग जा रहे थे। चालक की ही इसमें जान बची है, जिसकी भी हालत गंभीर है। उसे जिला अस्पताल बहराइच में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका दवा उपचार किया जा रहा है। लेकिन यह भीषण सड़क हादसा के चलते बीती रात इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भारी तादाद में पुलिस फोर्स जहाँ मौजूद रही, वहीं मृतकों के रिश्तेदार नातेदार भी काफ़ी देर तक जुटे रहे। वाहन की ये तस्वीरें कि किस प्रकार से भीषण टक्कर हुआ, जिसके चलते वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें फंसे लोगों को बाहर निकालने में पुलिस को कई घंटे लग गए। आज शाम को इकौना थाना क्षेत्र के हाईवे पे एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। गाड़ी में 7 लोग सवार थे, जिनकी तीन लोगों की मौके पे ही मौत हो गई थी। 2 बच्चे थे जिनको CHC इकौना लाया गया, वो दोनों बच्चे भी डेथ हो गई CHC को ना आते आते तक। और 2 ड्राइवर और उस परिवार के एक सदस्य थे, जिनको रिफर किया गया था बहराइच में। अभी सूचना प्राप्त हुई है कि उस परिवार का एक और सदस्य डेथ हो गई। कुल मिला के उस परिवार, जो कि नेपालगंज का बताया गया है, और वो 6 और लोगों परिवार की डेथ हो गई। ड्राइवर की स्थिति क्रिटिकल है, वो बहराइच में इस समय भर्ती है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एक पुरुष जो डेथ हो गई है और 2 बच्चों की डेथ हो गई है, मिला के 2 लोगों को रिफर कर दिया गया है यहाँ से बहराइच डिस्ट्रिक्ट। कुछ पता चला कहाँ हादसा हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता है? ये हादसा एक सीताद्वार के कुछ आगे हादसा हुआ है। अच्छा, इसमें मरने वालों की संख्या 5 है? हाँ, मरने वालों की संख्या 5 है। एक पुरुष।